हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी स्टाइल। ये आज के मेरे वीडियो में मैं आप सभी के साथ उल्टा पल्ला सारी ड्राइविंग शेयर कर रही हूँ, जिसे मैंने कुछ डिफरेंट स्टाइल से वेयर करना दिखाया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो स्टार्ट। सो गाइस, जिस तरीके से हम नॉर्मल साड़ी को टक करते हैं उसी तरीके से आपको साड़ी को अंदर टक कर लेना है। एंड गाइस, अब हम साड़ी का पल्ला सेट करेंगे। मोस्टली जब भी आप साड़ी पहने तो साड़ी में पहले पल्ले की लेंथ सेट कर लीजिए और पल्ला सेट कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपको साड़ी पहनने में बहुत ही आसानी रहेगी। अगर आप बिगिनर्स हैं तो भी आप इसी तरीके से साड़ी को वियर कर सकती हैं। और अब हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हम यहाँ पे पिन लगा देंगे, जिससे कि हमारी साड़ी की जो प्लेटें हैं वो एक जगह रहे और प्लेटें ख़राब नहीं हो। सो गाइस, इस तरीके से आप अच्छे से चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद अब हम पल्ले की लेंथ रखेंगे कि कितनी हमें पल्ले की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग आप लेंथ रख लीजिए। अगर आपको लंबा पल्ला रखना है तो आप लंबा भी रख सकते हैं। और यहाँ पर पिन से सिक्योर कर देंगे। और इन्हें आप अच्छे से सेट कर लीजिए। अब हम साड़ी की प्लेटें बनाएंगे। सो इस तरीके से आपको बिल्कुल बारीक बारीक साड़ी की प्लेटें बनानी हैं। आप चाहे तो 3-4 ब्रॉड भी बना सकते हैं, उससे जो साड़ी का जो लुक है वो कुछ बंगाली टाइप आएगा, जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप का वज़न बहुत ज़्यादा है, आप हेल्थी हैं, तो आप 2-4 प्लेटें बनाइए, उससे क्या है स्लिम नज़र आएंगी। और इस तरीके से हम इन्हें अंदर टक कर देंगे और इन्हें आप अच्छे से सेट कर लीजिए। और यहाँ जो हमने पिन लगाई थी उस पिन को अब हम निकाल लेंगे। सो गाइस, इसे आप अच्छे से सेट कर लीजिए। इस तरीके से बहुत ही कम टाइम में आप इस तरीके से साड़ी को वियर कर सकती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी लगती हैं।